का 8 जो कि ऑप्शन ए में होगा, प्लस माइनस का 8 जो कि ऑप्शन ए में होगा, ठीक है। सभी का जवाब बहुत अच्छा आया। चलिए, प्लस माइनस का 8 जो कि ऑप्शन ए में है और ऑप्शन ए सभी का आंसर लगभग ठीक आया है, बहुत अच्छे। चलिए चलिए मित्रों, बहुत अच्छे। चलिए चीजें क्लियर हो चुकी हैं, चीजें यदि क्लियर हो चुकी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए चीजें यदि क्लियर हो चुकी हैं, हाँ कंसेप्ट यदि क्लियर हो चुका है, देखो किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए चीजें यदि क्लियर हो रही है मित्रों तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए शीघ्रता के साथ जवाब देंगे, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाता है, अगले क्वेश्चन की ओर चला जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, एक्स प्लस के 3 और एक्स माइनस के 4 बराबर 0 का एक मान है, का एक मान है, एक मान है, ठीक है। हाँ सिंपल तरीके से दिया हुआ है, ए ऑप्शन में 3, बी ऑप्शन में 4, सी ऑप्शन में -1 और डी ऑप्शन में 2। चलिए हाँ x प्लस थ्री और x माइनस 4, ठीक है, ब्रैकेट में दिया हुआ है, बराबर 0 का एक मान है, यानी इसके ये द्विघात समीकरण है, दो जीरोज होंगे, इसके दो मूल होंगे, ठीक है। सर इंग्लिश प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके चलिए ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं मित्रों, थोड़ा सा व्यस्त है इसलिए। हाँ ओके, थ्री का बी जवाब आना आरंभ हो चुका है। चलिए बहुत अच्छे। हाँ बिग मैराथन चलाएंगे मित्रों, जिसको हाँ श्रृंखला तैयार हो रही है पर डे एक दिन। हाँ बबीता जी बी जवाब, राज यादव ये जवाब दे रहे हैं, चलिए बहुत अच्छे। लंके दिया जब हाँ ओके, चलिए बहुत अच्छे, चलिए बिल्कुल से। हाँ कमलेश कुमारी सी जवाब दे रही है, चलिए बहुत अच्छे। चलिए मित्रों बहुत अच्छे, आप सभी का जवाब आ रहा है। चलिए हाँ चीजें क्लियर होती जा रही हैं, बहुत अच्छे। वीडियो को लाइक शेयर करते चले साथ साथ में। चलिए चलिए बहुत अच्छे, ठीक है। एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस फोर इजिकल टू 0 का एक मान है, यानी क्या है, द्विघात समीकरण, इसके दो मूल होंगे, ठीक है। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, त्रिघात समीकरण के तो 3 मूल होंगे, ठीक है। तो देखिए इनके इजिकल टू 0 में दिया हुआ, तो इसकी एक वैल्यू, तो देखिए क्या वैल्यू है, एक्स प्लस के 3 सीधे कर देंगे हम, बराबर 0 के रखेंगे तो एक्स बराबर माइनस का 3 आएगा, एक एक्स बराबर माइनस का 3 आएगा और एक एक्स माइनस 4 इजिकल टू जब 0 रखेंगे तो एक्स बराबर 4 आएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है आपके उपलब्ध है, ठीक है। तो ये माइनस का 3 है, ये तो होगा नहीं, ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ ऑप्शन बी एक मूल होगा आपका या एक मान होगा आपका 4, ठीक है। चलिए हाँ बिल्कुल से कमलेश कुमारी सी, चलिए बहुत अच्छे, ठीक है। यानी आपका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा, राज यादव बी, ओके बहुत अच्छे। चलिए मित्रों ठीक है, चीजें क्लियर होती जा रही हैं, चीजें यदि क्लियर होती जा रही हैं, हाँ चीजें क्लियर होती जा रही हैं, तो प्रतिभा जी का ये जवाब हाँ बिल्कुल से, चलिए बहुत अच्छे। कमलेश कुमारी बी जवाब, ओके चलिए बहुत अच्छे। चलिए चीजें यदि क्लियर होती जा रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है, क्वेश्चन नंबर फोर की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, चलिए यदि चीजें क्लियर हो जा रही हैं मित्रों तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए थोड़ा सा हाँ आगे बढ़ा जाता है अगले प्रश्न की ओर। चलिए तो अगला उत्तर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए परंतु वह 60 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। तो इस तरह का बनेगा, फेल हो गया परंतु वह 60 अंकों से फेल हो गया। दूसरा छात्र जो और उसका साथी था, जिसने 38% अंक प्राप्त किए, ठीक है। दूसरा छात्र था जिसने 38% अंक प्राप्त किए, जो कि न्यूनतम अंकों से 30 अंक अधिक लाया, पूर्णांक 11